दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई अपडेट में। दोस्तों गवर्नमेंट ने एक और नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, जहां से अब आप अपना आधार कार्ड सिर्फ नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है, या आपके पास आधार से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, तो आप अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहना इस वीडियो पे लास्ट तक, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। जैसे आप प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं, देन आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है एम आधार। जैसे आप एम आधार टाइप कर लेते हैं, उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से आपको एम आधार का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। गाइस जो एम आधार तो पुराना ही एप्लीकेशन है, एम आधार एप्लीकेशन में अब बहुत ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है। तो उसके बाद आपको एम आधार एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस, आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड आधार कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिनके पास आधार कार्ड नंबर है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जिनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, कोई भी आधार से रिलेटेड सबूत नहीं है, फिर भी वो अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करेगा। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर रेगुलर आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको रेगुलर आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो मास्क आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मास्क आधार कार्ड क्या होता है गाइस? मास्क आधार कार्ड वो होता है जिसमें आपका आधार कार्ड का 4 डिजिट सिर्फ लास्ट का दिखाई देगा और जितना भी रहेगा वो हाइड रहेगा। आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। पहला आधार कार्ड नंबर, दूसरा वर्चुअल आईडी और तीसरा इनरोलमेंट नंबर। यानी कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कि यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर कर देना है। अगर आधार नंबर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कैप्चर डालना है और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो आपका आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो जाता है। अब आपको गाइस यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड क्या डालना है गाइस? पासवर्ड में आपको अपने नाम का 4 डिजिट सबसे आगे का कैपिटल लेटर में डालना है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसे आप पासवर्ड डाल देंगे तो जो आपका आधार कार्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जिनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है उनको क्या करना है। तो जिनके पास गाइस आधार कार्ड नंबर नहीं है तो उनको जो UDID की, यानी कि जो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, इसका जो हेल्पलाइन नंबर होता है वो होता है 1947। आप जब 1947 पे कॉल करेंगे तो वहाँ से जब कॉल रिसीव होगी तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ओके गाइस, और आपका राज्य। ये 3 चीज़ें आप बता देते हैं तो जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको आधार कार्ड यहां से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद गाइस बात ये आती है कि उस आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लगा होगा। तो गाइस इसी के द्वारा आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हैं। अगर वो मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाके अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेना है। उसके बाद गाइस इसी एप्लीकेशन से आप बहुत ही आसानी से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो आई होप, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बताई गई सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हेल्पलाइन नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है,
तो वहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके मुझसे भी पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।